टीनेजर्स यानी कि मेरे छोटे भाई, बहुत टाइम से मैं जानता हूँ चैनल पे कंटेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो स्किप करके मत देखना, इसको पूरा एंड तक देखना, आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और सुना है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन आप लोग थोड़ी थोड़ी ऐसी गलतियाँ कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फैशन जिससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए, आपकी गलती आपको बताने के लिए और कैसे उसको सुधारा जाए। सो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई एम अपार शर्मा एंड आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो एंड दिस टाइम ऑन 5 मेजर टीनेज मिस्टेक्स। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मुझे लगती है पर्सनली वो है ओवर एक्सरसाइज करना, एक्सेसरीज को भर देना। देखो भाई, अगर आपको आपके हाथ भरना पसंद है, आपको गले में कुछ ना कुछ लटकाना पसंद है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप मेरी सुनोगे तो भाई इतना ज़्यादा भरना अच्छा नहीं लगता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि आप 10 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो यूट्यूब पे और वो आपको बताते हैं कि कौन सी 2 एक्सेसरीज पहननी चाहिए और आप सबकी सुन के सोचते हो चलो यार सबकी थोड़ी थोड़ी मान लेते हो और आप पूरा भर देते हो अपने आप को, यार भली एक की सुनो लेकिन उतनी ही सुनो, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भाई इधर अंगूठी, इधर अंगूठी, इधर अंगूठी, गले में पट्टा, यहाँ पे पट्टा, पूरी बॉडी पे कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है भाई के। अबे आदमी है कि नोटिस बोर्ड। अगर आपको रिंग्स पहनने का शौक है तो पहनो, मगर हर उंगली में मत पहनो, वरना लोग आपसे एस्ट्रोलॉजी पूछने आ जाएंगे, पूछ लेंगे भैया मेरी कुंडली देख के बता दो। एक पहनो मगर अच्छी पहनो, स्पेशली वो वाली तो मत पहनना जहाँ पे शेर ड्रैगन के मुंह से आग निकल रही होती है, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियाँ होती है, वो वाली मत पहनना। एक पहनो, ब्लैक कलर की पहनो, गोल्डन कलर पहनो, सिल्वर कलर पहनो, जो भी पहनो, लेकिन क्लासी वाली ही पहनो। तो रिंग्स वो ही पहनो जो आपकी आउटफिट के साथ मैच हो और उसको कॉम्प्लीमेंट करे। और एक्सेसरीज की बात करें तो डॉग टैग्स अननेसेसरी पहनना बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। बीचेस पे अगर आप जा रहे हो तो चलेगा, स्ट्रीट स्टाइल फैशन अगर आप फॉलो करो तो चलेगा, बाइकर जैकेट पहन रहे हो तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप आम जिंदगी में, कॉलेज में, स्कूल में या कहीं मार्केट एरिया में जा रहे हो, वहाँ पे डॉग टैग, नॉर्मल शर्ट टी शर्ट पहन रहे हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा जो हाथ में इतने बड़े बड़े पट्टे पहनते हो, इतने नाजुक से हाथ में इतने बड़े बड़े पट्टे पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कसम से एकदम ईगल गैंग वाली फीलिंग आती है। मार इस मच्छर को। तो कोई खूबसूरत सा, कोई अच्छा दिखने वाला बैंड पहनो जो आपका कम एरिया कवर करे, जो क्लासी दिखाई दे। ये नहीं कि वो कांटे लगे हुए एकदम ऐसा लग रहा है किसी के बस घोपने छा रहे हो, वो वाले मत पहनो, सिंपल पहनो, क्लासी पहनो। और खासकर आजकल वो वाले बैंड्स बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ टीनेजर्स को पहने हुए, जहाँ पर डेविड गेटा लगा हुआ है, लिखा हुआ है, और या फिर किसी बड़े आर्टिस्ट का नाम है, जॉन सीना लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि भाई आप किसी क्लब में जाने के लिए बैंड पहन के एंट्री के लिए खड़े हो, तो वो वाले पहनना प्लीज़ अवॉइड करो। अब एक्सेसरीज और हाथों की बात चली रही है तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कि है चेन स्ट्रैप वॉचेस के बारे में। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर यूजी चहल को हम पोलार्ड के पैड्स दे देंगे और बोलेंगे भागो तो रनआउट तो हो ही ना भाई। कहने का मतलब ये है कि अभी आपकी उम्र में या तो हो सकता है आपकी जो कलाई, जो आपकी रिस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो उस पर चेन स्ट्रैप बिल्कुल भी लटकी हुई अच्छी नहीं लगेगी, या फिर आप कैजुअल आउटफिट्स पहनते हो, जैसे कि आप टी शर्ट पहनते हो, आप फंकी कपड़े पहनते हो, तो उस पर भी चेन स्ट्रैप्स अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको किसी फॉर्मल विजिट के लिए कहीं पर भी नहीं जाना, तो अनलेस इट इजेंट एनी फॉर्मल ओकेजन तो आपको ज़रूरत नहीं है चेन स्ट्रैप पहनने की। अब आप लोगों को बाहर कहाँ जाना होता है, या तो आपको स्कूल जाना होता है, या कॉलेज जाना होता है, या फिर किसी कैजुअल मीटिंग के लिए जाना होता है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जाना होता है, तो उस टाइम पे अगर आपको वॉच पहनना पसंद है तो लेदर स्ट्रैप्स के लिए ही जाना। लेदर स्ट्रैप वाली वॉचेस जो होती है वो ज़्यादा एलिगेंस ऐड करती है यंगस्टर के ऊपर। और अगर मान लो आपके कॉलेज में आपको फॉर्मल्स पहनने को बोला जाता है, भले एक दिन बोला जाता हो जैसे हमें बोला जाता था, तो लेदर स्ट्रैप की फॉर्मल वाली वॉच भी आप ले सकते हो, फंकी लेने की जरूरत नहीं है, या कोई डिफरेंट कलर लेने की जरूरत नहीं है, ब्राउन या ब्लैक या ब्लू, इस टाइप की आप स्ट्रैप वॉच ले सकते हो। और अगर आप लोग स्कूल जाते हो तो भी ज़्यादा अतरंगी घड़ियों के लिए मत जाना, भी मत सोचना मैंने लेदर स्ट्रैप बोल देता हूँ ऑरेंज येलो इस कलर की घड़ियाँ पहनने लग गए, क्योंकि स्कूल में भी एक डिसिप्लिन होता है, शर्ट होती है, ट्राउजर होती है, फॉर्मलिज्म होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मल लेदर स्ट्रैप वाली वॉच ही पहनना, या फिर थोड़ी सी फंकी चलेगी लेकिन बहुत ही अटपटे कलर्स मत पहनना। पॉइंट नंबर 3 आता है बजट मिसमैनेजमेंट। अब मैं जानता हूँ कि टीनेजर होने के नाते हमें एक बजट का इशू आता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि छोटा सा इशू ना बहुत सीरियस बन जाता है, या फिर हम खुद इसको सीरियस बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम एंड गो वाले फैशन में टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं कोई नई चीज़ देख के, क्या भाई यार ये शर्ट क्या बढ़िया लग रही है, फटाफट से ले लेते हैं। फिर होता क्या कि सभी टीनेजर्स उसी चीज़ को लेने लग जाते हैं। सपोजिंगली कैमोफ्लाज फैशन आया था, पीछे वो मिलिट्री शर्ट्स आई थी, मैंने भी ली थी, लेकिन अगर बजट पे हो आप तो आप वही चीज़ लेने जा रहे हो जो बहुत लोग ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं, आपको लगता है वो फैशन है, वो ट्रेंड है, इसलिए ले लेते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये आने और जाने वाले होते हैं, ये आते हैं, आप इस चीज़ को खरीदते हो, फिर नुकसान आपको क्या होता है कि एक तो आप बाकी लोगों के जैसे दिखते हो,
आप उनसे अलग नहीं दिख रहे, उनसे बेहतर नहीं दिख रहे हो, और दूसरा जो चीज़ इतनी ज़्यादा दिख रही है वो अच्छी कैसे लगेगी। या फिर हम बात करेंगे स्लोगन वाली टी शर्ट, जैसे कोई भी स्लोगन अगर इंडिया में फेमस होता है उसकी टी शर्ट बन जाती है और हर बंदा उसको लेने पहुंच जाता है, जैसे अपना टाइम आएगा। ये वाली टी शर्ट इतने टीनेजर्स ने ली भाई, इतने टीनेजर्स ने ली है कि मतलब सबको यही लग रहा था कि भाई सारी गली गैंग जो है यहीं पे आ गई है, सारे टीनेजर्स गली गैंग के मेंबर बन चुके हैं। सो वो वाली चीज़ से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं अगर आप कमेंट गो वाले फैशन में इन्वेस्ट करते हो। सबसे पहले आप बाकी उससे बेहतर और बाकी उससे अलग नहीं दिखाई देते हो, और दूसरा जो आपका बजट है वो भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये टी शर्ट दो बार पहन लोगे, तीन बार पहन लोगे, चार बार पहन लोगे, उसके बाद ये वेस्ट है भाई, उसके बाद ये फैशन चले जाता है और ये टी शर्ट भी पड़ी रह जाती है, इसका या तो पोछा बनता है या फिर ये होली पे पहनी जाती है। तो पैसा बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक कलर्स में इन्वेस्ट करो, जैसे कि ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, नेवी ब्लू हो गया, इन कलर्स का क्या है, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते रहेंगे। और कुछ नहीं तो आप इसको लेयरिंग करके पहन सकते हो, जैकेट शर्ट्स के नीचे पहन सकते हो, ये लाइफ लॉन्ग आपको अपनी वैल्यू बताते रहेंगे। या फिर अगर आपको लोगों से बेटर दिखना तो आप अलग पैटर्न्स के लिए जाओ, अलग प्रिंट्स के लिए जाओ, अलग कलर्स के लिए जाओ, लेकिन बाकी उससे बेटर दिखाई दो, लेकिन ऐसे फैशन के लिए मत जाओ जो आपको पता है कि टेम्परेरी है कुछ टाइम के लिए। फोर्थ फैशन मिस्टेक जो सबसे ही ज़्यादा डिप्रेसिंग लगती है मुझे, वो है कि भाई अंडरवियर शो ऑफ करना। भाई ये कोई शो ऑफ करने की चीज़ है क्या? चलो एक चीज़ मानता हूँ मैं कि आप झुके तो बाय चांस वो दिख गया, लेकिन भाई जानबूझ के लोवेस्ट पहनना, जानबूझ के छोटी टी शर्ट पहनना, जानबूझ के बिना बेल्ट के जीन्स पहनना और ब्रांड को फ्लॉन्ट करना, इससे लड़की या कोई भी इंप्रेस नहीं होने वाला भाई, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है आपको शो ऑफ देखने में, या फिर आप किस ब्रांड का कच्चा पहनते हो ये देखने में। तो कपड़ों को तरीके से पहनो मेरे भाई, आप बेल्ट लगाओ प्रॉपरली, अगर फॉर्मल शर्ट है उसको टक इन करो, ठीक है, कपड़े तमीज से पहनो, बहुत ऊपर भी जीन्स चढ़ा के मत पहनो, लेकिन लोगों से मत पहनो, एक्यूरेट जगह पे ही पहनो, और अपने जो पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको भी बचा के चलो, ना आप किसी को आपकी लाइन देखनी है ना आपका अंडरवियर देखना है, तमीज से पहनो, वरना किसी दिन कोई किसी की हट गई ना तो वो ऐसे भी कर सकता है। मिस्टेक नंबर 5, ओवर ड्रेसिंग या फिर अंडर ड्रेसिंग। ना यहाँ पर ना यहाँ पर, आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, बैलेंस पे आना है, इक्विलिब्रियम पे आना है। मीनिंग कई बार भाई लोग ऐसा होता है कि हमें जो पहनना चाहिए ना हम वो नहीं पहनते, लेकिन जो नहीं पहनना चाहिए वो हम पहन लेते हैं। आई नो कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपने टी शर्ट पहन रखी है, मान लो कोई फंकी, किसी ने आपको बोल दिया कि यार तू तो बच्चे जैसा लगता है, तो आप अगले दिन क्या करोगे, फॉर्मल शर्ट्स खरीद लेता हूँ यार, ड्रेस शर्ट खरीद लेता हूँ, मस्त आपने जीन्स पहन रखी है नीचे, उसके ऊपर अंदर टक इन मार के शर्ट बेल्ट वेल्ट चढ़ा के आप आ गए, या फिर आपको लगता है कि नहीं इससे ये थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप एक चाइनीज़ कॉलर वाली शर्ट ले लोगे, लेकिन प्लेन लोगे तो उसमें भी यही होगा कि जो आपकी एज है आप मैच्योर दिखने के लिए ये मिस्टेक कर देते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप मैच्योर लगते हो, ठीक है, कोई आपको बोले कि आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर दिखते हो, तो आप क्या करोगे, यार थोड़ी फंकी टी शर्ट्स मंगा लेता हूँ, लोगो वाली टी शर्ट मंगा लेता हूँ, टॉम एंड जेरी वाली मंगा लेता हूँ, चाचा चौधरी वाली मंगा लेता हूँ, बिल्कुल जिसमें लोगो वोगो लगे होते हैं, एकदम छपरी टी शर्ट आप लोग वो मंगाने लग जाते हो ताकि हम थोड़े छोटे दिखाई दें। तो बात यह है कि ना तो हमें ये छोटे लेवल की चीज़ें चाहिए, ना ही हमें बड़े एज फैक्टर वाले कपड़े चाहिए, हम अभी टीन एज में हैं, ना हम एडल्ट हैं ना हम बच्चे, हमें बीच वाले कपड़े चाहिए, उसी इक्विलिब्रियम के मैं बात कर रहा था, ठीक है भाई। तो अगर आपका टी शर्ट पहनने का मन है, आपको लगता है मैच्योर लगते हो, तो आप अच्छी टी शर्ट्स पहनो, अच्छे डिज़ाइन पहनो, अच्छे कलर्स पहनो, पोलो टी शर्ट्स पहनो, आप कलर ब्लॉक टी शर्ट्स पहनो, मगर इतनी ही थोड़ी चाइल्डिश टी शर्ट्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करो, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं वो टी शर्ट्स आप अवॉइड करो। ऑन द अदर हैंड अगर आपको थोड़ा मैच्योर दिखना है तो वो बुजुर्गों वाली शर्ट है, या फिर जो हमारे पापा दादा लोग पहनते थे अंकल वाली शर्ट है वो मत पहनो, थोड़ी क्लासी शर्ट पहनो, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पहनो। अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग चेक्स हैं एक ही शर्ट में, तो इस तरीके की चेक्स पहनो, एवरग्रीन कलर्स पहनो, अच्छी शर्टें पहनो, स्ट्राइप्स पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किस एज में हो और आपको किस तरीके का दिखना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मेरे छोटे भाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ भाई इसको ध्यान से समझो और इस पे काम करना चालू कर दो। और जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सॉरी भी बोल दूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े मेसी हो रखे हैं, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त आने वाली है आपके लिए, फोटोशूट एट होम के ऊपर, तो उसके लिए भी एक्साइटेड रहना। अगली वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसका लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बी अ गबरू, अर्बन गबरू आउट।